मुफ्ती साहब के youtube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए आस्क मुफ्ती तारिक मसूद तिलावत की कौन सी गलती से नमाज टूट जाती है आफ़रीन साहिबा इंडिया से कुरान मजीद में कुछ ऐसे مقامات हैं कि अगर उन्हें नमाज में थोड़ा सा भी गलत पढ़ लें तो नमाज फौरन टूट जाती है ऐसे कौन से مقامات हैं इनकी निशानदेही फरमा दें भाई कुरान मजीद में ऐसे مقامات तो हाईलाइट करना तो नामुमकिन है वो तो सारे ही मकाम ऐसे हैं कि उनको आप गलत पढ़ लेंगे तो वो नमाज़ छूट जाएगी कितना गलत पढ़ेंगे कि किसी आयत को इतना गलत पढ़ लेना कि आयत का असल मफूमू बिल्कुल उसके अपोज़िट हो जाए जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला अल्ल तरशाद लिन अशरकता लह बत नामुका वला तको मिनल ख़ास कि अगर आपने शिर किया तो आप खसारे वालों में से हो जाएंगे अब किसी क़ारी ने ग़लती से पढ़ लिया वला तकन्ना मिनल ख़ासन को मिनल हास पढ़ लिया हासीरीन का मतलब हसरत वालों में हो जाएंगे तो माना चेंज तो हुआ है लेकिन बिल्कुल उलट नहीं हो गया तो उलट नहीं हो गया बिल्कुल ही कुरान के मफहूम के बिल्कुल अपोज़िट नहीं हो गया माना चेंज हुआ है तो इससे अगर ये गलती से किया तो नमाज नहीं टूटेगी लेकिन गलत है ऐसा करना जायज़ नहीं है लेकिन अगर माना बिल्कुल ही अपोज़िट हो गया है जैसे किसी ने आयत पढ़ी लइन अशरक्ता लह बतल अमलुका मिनल कि अगर तुमने शिक शिर किया तो तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम कामयाब लोगों में से हो जाओगे ख़ास तरीन को मुफलीन पढ़ लिया तो ये बिल्कुल ही कुरान की मंशा के ख़िलाफ़ हो गया शिरक वाले कामयाब कभी नहीं होते तो ऐसी बड़ी फहश गलती जब होगी किसी आयत के पढ़ने में तो चाहे वो कहीं भी हो तो फिर नमाज टूट जाती है लेकिन ये ज़रूरी है कि ए, उसका कोई और सही मतलब निकल ना सकता हो अगर आयत किसी ने गलती से ग़लत पढ़ ली उसका गलत मतलब भी कोई बयान कर सकता है सही मतलब भी तो भी नमाज नहीं टूटेगी और अगर ऐसा मतलब है कि वो गलत ही बन रहा है सही मतलब बन ही नहीं सकता तो फिर नमाज टूट जाएगी दोबारा पढ़नी पड़ेगी तारिक मसूद